just now came back after watching Sam Bahadur movie. Okay, starring Vicky Kaushal and the Dangal girls. So this movie, seriously, after watching this movie, I can honestly say that Meghna Gulzar, the director, cannot direct this genre of movie. She cannot direct war drama biographical movie. She cannot direct. मतलब war है ही नहीं. मतलब war army है आपके पास army है. It's basically a biography of Sam Manekshaw, who became an army general. From army general, he became a field marshal. तो वो journey events cover कर रहे हैं. मतलब ये picture में war दिखाया नहीं यार. मतलब Indian army का power ही नहीं दिखाया. कुछ मतलब goosebumps moment आया ही नहीं है यार. डायलॉग्स में बोलो या फिर मतलब वॉर सीन्स में, अरे वॉर तो दिखाना चाहिए एक सीन में. जिस तरह से सैम मिनेक्शो ने 1971 में पाकिस्तान में जाके मारा है, फिर बांग्लादेश को आजाद किया है, वो तो दिखाना चाहिए था ना यार. वो तो दिखाना चाहिए किस तरह से मदद किया है, वॉर में क्या हुआ, ये सब दिखाना चाहिए था ना यार. कुछ नहीं दिखाया यार. मतलब पब्लिक आ रहा है, मतलब सब लोग, मतलब 50% इट वॉज हाउसफुल, पीपल आर स्लीपिंग इन द थिएटर्स. इट्स नॉट अ फिल्म एक्चुअली, दिस इज नॉट अ फिल्म, दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री. मतलब मेघना गुलजार ने मतलब रिसर्च किया है, ठीक है, रिसर्च करके फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स का जुगाड़ किया है. शी कलेक्टेड द फैक्ट्स एंड प्रेजेंटेड लाइक अ रील्स, मतलब करके खट 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 करके एडिट करके रख दिया पूरा. और जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन आता है, वॉर सीन्स आता है, वो मतलब फुटेजेस दिखा देता है, बस वही है. तो व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस. सो मतलब मैं गया था थिएटर में, मतलब विकी कौशल है, सीरियसली विकी कौशल हैज एक्टेड इन सरदार उधम सिंह मूवी, देन उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, मीन्स प्रीवियसली हैज एक्टेड इन बायोग्राफिकल मूवीज एंड वॉर फिल्म. सो आई थॉट दिस टाइम तो ही विल डू तोड़फोड़ यार. ही हैज परफॉर्म रियली वेल. मतलब उसका जो अंदाज है, ही हैज मतलब ही हैज रिजेंबल्ड सैम मिनेक्शो परफेक्टली. सैम मिनेक्शो जी का किरदार, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है विकी कौशल. वो जिस तरह से इधर में आता है, फिर सल्यूट करने को बोलता है, बोलता है कि जब एक सोल्जर आपको सल्यूट करता है, आपको भी रिटर्न सल्यूट करना है और 1000 बार करना है. जिस तरह से वो इंस्पायर करता है कुछ मतलब सोल्जर्स को, फेलो सोल्जर्स को. और जिस तरह से वो मतलब बोलता है डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स बोल रहा है कि आई विल माइंड माई बिजनेस, यू माइंड योर्स, आई विल किस माई गर्लफ्रेंड, यू किस योर्स. तो वो सब मतलब डायलॉग्स अच्छा है. और फिर स्वीट हार्ट बोलता है, स्वीटी स्वीटी बोलता है, वो कॉमेडी में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है. तो ही हिज रिजेंबलेंस, हिज पर्सनालिटी, एंड इज लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड इज लुकिंग लाइक आर्मी चीफ. ही परफॉर्म रियली वेल. डायरेक्टर्स विजन इज बेसिकली मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री, कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड प्रेजेंटिंग इट लाइक अ रील. खट 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 करके रख दिया पूरा. कोई मतलब इमोशंस ही नहीं है यार, कोई इमोशंस ही, मतलब यू डोंट इवन फील. एंड मतलब सिर्फ विकी कौशल, बाकी सब साइड पीस, दैट्स इट. मतलब कोई मतलब साइड कैरेक्टर्स पूरा बिल्कुल फ्लैट. दंगल गर्ल्स एब्सोल्युटली, दोनों सानिया मल्होत्रा ऑल्सो मतलब ठीक ठाक किया है, और इंदिरा गांधी फातिमा साना शेख ऑल्सो मतलब ठीक ठाक, कुछ दमी नहीं है. मतलब पावर दिखाया नहीं यार, इंडिया आर्मी का पावर ही नहीं दिखाया. शेरशाह में देखो कैसा पावर दिखाया विक्रम बत्रा का, कारगिल वॉर में कैसा फाइटिंग किया है, क्या दिखाया लाइव एक्शन. तो लाइव एक्शन, व्हेन लाइव एक्शन इज सपोज टू कम, 1971 वॉर एंड दोस वॉर फुटेज इज सपोज टू कम, दैट टाइम दे आर शोइंग द ओल्ड ओल्ड फुटेजेस, हाउ पाकिस्तान आर्मी सरेंडर्ड एंड एवरीथिंग, दैट टाइम दैट दे आर शोइंग ओल्ड ओल्ड फुटेजेस, रॉ फुटेजेस, लाइव फुटेजेस दे आर शोइंग व्हाट हैपेंड दैट टाइम, ब्लैक एंड व्हाइट दे आर शोइंग. तो इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट्री देख लेता आईपैड में. मैं क्यों थिएटर में जाके 300 रुपए खर्च करके देखूं. तो ऑडियंस सो गया पूरा थिएटर में. इतना फ्लैट स्क्रीन प्ले, डब्बा गुल स्क्रीन प्ले, क्या बोले भाई. इंडियन आर्मी का पावर दिखाना चाहिए, सीरियसली यार. विकी कौशल, सरदार उधम सिंह बायोग्राफिकल मूवी. सी स्टिल नाउ दैट जलियांवाला बाग, दैट सीन सुजीत सरकार हैज डायरेक्टेड राइट इन दैट सरदार उधम सिंह. कोई है दैट विकी कौशल हैज परफॉर्म्ड दैट जलियांवाला बाग मैसेकर. दैट मैसेकर स्टिल इट इज हॉन्टिंग इन द इयर्स यार, स्टिल इट इज हॉन्टिंग इन द इयर्स. स्टिल आई रिमेंबर व्हाट अ सीन दैट वन वाज, व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वन वाज, एंड व्हाट अ डायरेक्शन दैट वाज. दैट इज डायरेक्शन, डायरेक्टर्स विजन. ही नोज टू डायरेक्ट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. Here the director doesn't even know what she is making. She is making documentary or a film, God only knows. She only is confused. कोई है ही नहीं इंडियन पावर का, मतलब दिखाया नहीं यार इंडियन पावर, इंडियन आर्मी का पावर ही नहीं दिखाया कुछ. सिर्फ विकी कौशल का परफॉर्मेंस अच्छा है, गाने में भी कुछ दम नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, बस दैट्स इट. सीरियसली यार, आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड. आई थॉट विकी कौशल लाइक उड़ी, हाउ इज द जोश, व्हाट अ सीन, लाइव एक्शन सीन, हाउ दे वेंट एंड डिड द सर्जिकल स्ट्राइक, व्हाट गूज़बम्प्स एक्शन सीक्वेंस वर देयर. मीन्स पूरा इंडियन आर्मी का पूरा पावर दिखाया था आदित्य धर ने, इधर में कुछ नहीं दिखाया.
तो डोंट टेल दिस इज आई डायरेक्टेड अ वॉर बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी. डोंट से say that I directed it's a documentary movie and don't fool the audience. Ratings I cannot give because I respect Indian Army a lot, so I will not give ratings. Sam Menakshaw ji deserved a better movie, deserved a far better movie. And here one scene is showing that those who wanted Bangladesh as a country, so those freedom fighters of Bangladesh, they are shown, Pakistani army people are killing them one by one, tak 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 tak, they are killing, they are showing no basic emotions is only there, yaar. That massacre they are showing, that scene is there, that staging is there, no emotions, nothing is there, just flat, no emotions only. In Jallianwala Bagh, that massacre in Sardar Udham Singh, you see, when that massacre happens, Vicky Kaushal will be only alive when he'll be saying that one. That is so haunting and that is so brutal, that so much emotions is there. Then after that, you'll feel like, ha, Sardar Udham Singh, that Vicky Kaushal definitely should kill General Dyer. Matlab badla lena hi padega. That emotions, that revenge emotions, मतलब ऑडियंस में जाग उठता है. सो दैट इज द डायरेक्टर. सीरियसली दिस मेघना गुलजार पूरा मतलब कबड़ा कर दिया पिक्चर का, पूरा पूरा मतलब डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन पूरा जीरो जीरो और उसका स्क्रीन प्ले भी पूरा फ्लैट, कोई मोमेंट्स ही नहीं है कुछ.